देखो गोदी में बैठे हैं मेरे लाला और अपनी चारपाई भी साथ में है, उसी पे बैठे हैं और लाइट चली गई है, टीवी की आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर करिएगा आप लोग। और बहुत ठंड पड़ रही है लाला, ट्यू 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 टन 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 टन। चलो थोड़ी सी गुदी गुदी कर देते हैं, गुदी गुदी ठीक है। और आज लाला, वैसे तो मैंने छोटी सी वीडियो शेयर की थी लल्ला की कि लल्ला आज मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, मतलब पहले ये पहना अंदर पूरा, मतलब ये फूल है, फूल आस्तीन का है ये देखिए। उसके बाद लल्ला ने येलो कलर का फ्रॉक पहना, येलो एंड रेड है ये देखिए। और लाइट नहीं आ रही ना, तो इसी कारण थोड़ा सा लाइट कम लग रही है। और ठंडियों में इतने दिन छोटे हो जाते हैं, बहुत छोटे। अब तो थोड़ा सा मतलब अंधेरा थोड़ा लेट में होता है, वही करीब 5:30 से 6 बजे तक हो जाता है अंधेला। और टाइम हो रहा है 5:30 होने वाला है, और ये सामने टीवी चल रही है, और ये हमारे पास लल्ला आ चुके हैं, बैठे हैं। बहुत देर से लल्ला अकेले बैठे थे, चलो मैंने चलो गोदी में थोड़ा सा टहला देते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा। और मैं सोच रही थी थोड़ी सी आलू की पकौड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी भी खा लेगा मेरा ये छोट छोट छोटा छोटा सा क्यूट क्यूट सा लल्ला भी खा लेगा, और कोचिंग गया है वो भी लल्ला खा लेगा, दोनों लोग साथ में मिलके खा लेंगे ठीक है। और लेकिन आज जानते हो मैं कौन सी मूवी देख रही थी, KGF, जो फ्री डिश होता है, फ्री चैनल वाला चैनल फ्री डिश होता है, उसमें KGF 2 इसमें पिक्चर नहीं आ रही है। KGF 2 एक मतलब ऐसी आधारित फिल्म है जो मतलब माँ बेटे का रिश्ता जो ऐसा है बहुत मजबूत, गरीबी भी उसमें दिखाई गई है। अगर बच्चे को अगर गरीबी थोड़ी सी बहुत दिखानी है ना, तो आप ये मूवी ज़रूर दिखा दीजिए। उसमें काफ़ी बारीकी से काफ़ी तरीके से दिखाया गया है, कैसे एक एक रोटी के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो बताई दिखाई गई हैं, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है कुछ देख के समझे, जो बच्चे हैं, क्योंकि आजकल के युवा बच्चे जो हो रहे हैं वो ये सब चीज़ें समझ ही नहीं रहे हैं। उनको तो बस बड़े हो रहे हैं, पैसे दो बस। हाँ, जो नॉर्मली गांव के हैं बच्चे वो सब चीज़ें समझते हैं। और ठंडक भी बहुत हो रही है, क्यों लल्ला? और मेरी आवाज़ भी कम आ रही होगी क्योंकि टीवी चल रही है ना भाई, तो मैं और लाइट नहीं आ रही है, बहुत टाइम हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया लाइट नहीं है, इन्वर्टर से टीवी चल रही है। मैं सोच रही हूँ KGF में लास्ट वाली देख लेती हूँ। एक सीन है जिसमें जो सुल्तान होता है वो उसका गला काट देता है, वो सीन मैं देखना चाह रही हूँ। वो सीन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है वो सीन है। और KGF 2 भी बहुत अच्छी फिल्म है, क्योंकि ऐसी फिल्में ना देखना अच्छा लगता है। अब थोड़ा अगर देख लिया जाए, थोड़ा पहले की फिल्म जो आती थी वो अच्छी नहीं होती थी, लेकिन लाला के साथ अगर मूवी देखो तो बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, अब मूवी की बातें नहीं करते, मूवी की बातें बहुत हो गई हैं। मूवी तो रोज ही एक ना एक मूवी तो मतलब पूरी नहीं देख पाती हूँ, आधी 2-3
ऐड देख पाती हूँ बस, बाकी नहीं देख पाती क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर का काम होता है, या कि हम हाउस वाइफ जो होती है ना उनके लिए तो बहुत सारा काम होता है, लेकिन कन्हैया के होते हुए सारे काम छोटे हो जाते हैं, बड़े काम कोई बात नहीं, और ऐसा होना भी चाहिए घर में। अगर काम नहीं होगा तो शरीर में आलस आ जाएगा, जो हमारा शरीर है वो बहुत आलस करेगा, जो शरीर है ना वो इतना फुर्तीला नहीं रहेगा। अगर हम ज़्यादा चलेंगे नहीं, ज़्यादा काम नहीं करेंगे, तो हमें काम करते रहना चाहिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, चाहे जो हो घर का। आजकल तो बहुत, अरे क्या बताया जाए, खुद ही आप लोग जानते ही हैं कैसा कैसा चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे कन्हैया से हमको मतलब है और कन्हैया जानते हैं कौन कैसा क्या कर रहा है, और कन्हैया के होते हुए हम और किसको हम क्या जाने, हम तो एक सिर्फ तुच्छ प्राणी हैं, उन्होंने भेजा है अपना कर्तव्य करने के लिए, जाओ अपना कर्म करो, जाके भजन करो, जाके मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ भगवान का होता है भजन करना, लेकिन इंसान भूल जाता है। कहते हैं बहुत लोगों के, हमने मुंह से सुना है संत लोगों के मुंह से कि जो है जब बच्चा पेट में होता है तो उसको जो है तो वो भगवान से बहुत प्रे करता है कि मुझे बाहर निकाल दो, मैं भजन करूँगा के, भजन करूँगा के, पूजा पाठ करूँगा के, ये मैं इस भगवान का पूजा करूँ या उस भगवान की पूजा करूँगा, बहुत सारी बातें करता है, लेकिन जब वो बाहर रहता है, बाहर की दुनिया में जब आ जाता है तब वो भूल जाता है, लेकिन भूलेगा नहीं अगर उसकी माँ उसको समझाएगी। मैंने उसको अपने जो अभी 5 साल का है, लेकिन उसको मैंने एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसको बोलना आता है, थोड़ी बहुत हनुमान चालीसा भी आती है, और हरे कृष्णा वाला मंत्र भी आता है उसको, सोएगा तो अपने छोटे भाई से राधे राधे बोल के ज़रूर सोएगा। कोशिश करिए आप लोग भी, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी कराइए और थोड़े थोड़े जो मंत्र होते हैं वो भी सिखाते जाइए। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ थोड़े थोड़े मंत्र सिखाती जाऊँ ताकि उसको याद करने में कोई कठिनाई ना हो। और कहते हैं ना जो प्रेमानंद बाबा हैं जिनकी किडनियाँ फेल हो गई हैं और कि फिर भी राधा 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 रटते ही रहते हैं, राधा नाम में इतनी शक्ति है, राधा नाम ऐसा नाम है एकदम निर्मल कोमल, कुछ बयां नहीं कर सकते, राधा नाम इतना पावरफुल है, कृष्ण भगवान से भी बढ़कर राधा नाम है। कहते तो हैं कृष्ण और राधा एक ही हैं, हैं एक ही, इसमें कोई शक नहीं है। और चलिए बने, बहुत सारी बातें हो गई, हमने क्या क्या बातें कर डाली, कोई बात नहीं, बस राधा राधा रटते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रटते रहिए, देख लिए जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। और कान्हा की सेवा इसी तरह करते रहिए, देखना एक ना एक दिन हमारा कन्हैया जरूर मिलेगा, श्रीमती राधा रानी हमें ज़रूर मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। बस ऐसे ही हरे कृष्णा का जाप करते रहिए और राधा राधा नाम लेते रहिए। अगर कहीं आपको कुछ लगे कि हाँ ये मुझे डर लग रहा है, तो बस आप कुछ नहीं, बस राधा राधा नाम रट लीजिए, या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे रट लीजिए, या फिर ओम नमः शिवाय रट लीजिए, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रट लीजिए, बहुत जो भी आप, ईश्वर है एक, लेकिन जो आप, जो आपको नाम याद हो वो आप ले सकते हैं। चलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को।